हेलो बच्चों, आज हम कुछ सामान्य रोग भाग चार के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाले भागों में भी हमने बहुत तरह के रोगों के बारे में पढ़ा, उनके लक्षण, उनके कारण, रोकथाम के उपाय क्या हैं। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो छोटी माता या चिकन पॉक्स क्या होता है और भी कई रोग हैं उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो ये जो छोटी माता है या चिकन पॉक्स, ये विषाणु जनित एक संक्रामक रोग होता है जो कि छोटे बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है। इसके जो विषाणु होते हैं, इसका नाम है वर्सीला जोस्टर। ये जो वर्सीला जोस्टर विषाणु है, इसके द्वारा 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ये अधिक होता है। छोटी माता के लक्षण, यानी चिकन पॉक्स जब होता है किसी बच्चे को तो कौन कौन से लक्षण में दिखाई देते हैं। सबसे पहला है कि रोगी को हल्का या मध्यम बुखार हो जाता है, बेचैनी होने लगती है, पीठ में, जोड़ों में दर्द होने लगता है। इस बीमारी के संक्रमण का सबसे अनुकूल समय दाने निकलने से पहले तथा उसके 14 दिनों के बाद तक रहता है। बीमारी की तीव्र स्थिति में शरीर दानों से भर जाता है, छोटे छोटे लाल लाल दाने हो जाते हैं और दाने पहले गले पर निकलते हैं और बाद में ऊपर की तरफ चेहरे पर भी और नीचे की ओर पैरों तरफ फैलते हैं। दाने निकलने के 4 से 7 दिन बाद दानों पर पपड़ी जमने लगती है और बाद में यह पपड़ी सूख कर फिर निकलने भी लगती है। छोटी माता से बचाव, तो सबसे मुख्य जो बचाव है, चूँकि यह विषाणुजन्य रोग है, एक संक्रामक रोग है, तो रोगी के संपर्क में आने से बचना चाहिए। दूसरा है कि चिकन पॉक्स से संबंधित जो टीका है वो लगवाना है। और तीसरा है रोगी का बिस्तर, कपड़े, ये सारी चीज़ें साफ़ रहनी चाहिए और अन्य बच्चों को उन रोगियों के संपर्क में आने नहीं देना चाहिए। अब हम जानेंगे पोलियो या पॉलीमेलाइटिस क्या होता है। देखिए, पोलियो भी एक विषाणु जनित रोग है जो अत्यंत सूक्ष्म विषाणु, पोलियो विषाणु द्वारा होता है। और इस विषाणु के द्वारा जो पोलियो ग्रसित संक्रमित जो व्यक्ति हैं वो किस प्रकार से संक्रमित होते हैं, चलिए जानेंगे। इसमें संक्रमित व्यक्ति के आंत की दीवार में ये विषाणु अपनी संख्या में लगातार वृद्धि करने लगते हैं और लसिका तथा जो रक्त प्रवाह के द्वारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में पहुंचकर पैरों की जो पेशियां होती हैं उसको नियंत्रित करने वाले तंत्रिकाओं को नष्ट कर देते हैं। मतलब जो पोलियो है, इसके जो विषाणु है, इसका प्रभाव सीधे सीधे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर पड़ता है और उसका फिर प्रभाव पैरों को चलाने वाली जो पेशियाँ होती हैं वहाँ पर जो तंत्रिकाएं होती हैं उसके नष्ट होने के कारण व्यक्ति जो है पोलियो ग्रसित हो जाता है। तंत्रिकीय आवेग के अभाव में पैरों की पेशियां जो हैं वो अपना कार्य करना बंद कर देती हैं, ठीक ढंग से वो कार्य नहीं कर पाती हैं। तो जो संक्रमित व्यक्ति होता है उसका पैर जीवन भर के लिए लकवाग्रस्त हो जाता है या वो अपंग हो जाते हैं। और कभी कभी ये पाया भी गया है कि पोलियो ग्रसित व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। पोलियो का जो वायरस होता है वो रोगी की विष्ठा में होता है और मक्खियाँ इन्हें भोजन और पानी तथा अन्य खाद्य पदार्थों तक पहुँचाकर उन्हें प्रदूषित करती हैं। ये वायरस भोजन और पानी के साथ बच्चों के पेट में चला जाता है और उन्हें संक्रमित करता है। पोलियो के मुख्य लक्षण हैं कि जुकाम के साथ बुखार आने लगना, उल्टी होने लगना, बुखार के साथ कई बार गर्दन अकड़ जाना, मांसपेशियों का सिकुड़ जाना। यहाँ देखिए किस प्रकार मांसपेशियाँ कार्य करना बंद कर देती हैं जिसके कारण दर्द होता है और जो रोगी है उसकी मांसपेशियाँ जब कमज़ोर हो गई तो वो ठीक ढंग से खड़ा भी नहीं हो पाता है। पोलियो से बचाव का बहुत अच्छा एक तरीका है ओरल पोलियो वैक्सीन, इसे OPV भी कहा जाता है। बच्चों को जन्म के तुरंत बाद ये लगना चाहिए। लकवाग्रस्त पैर का उपचार तुरंत कराना चाहिए, तब इससे बचाव संभव है। पल्स पोलियो अभियान, तो बच्चों आप लोग इस शब्द से बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं। पल्स पोलियो अभियान प्रायः दिसंबर और जनवरी के महीने में जो नवजात शिशु होते हैं और 5 वर्ष तक के शिशु होते हैं उनको ये पल्स पोलियो ड्रॉप जो है वो दिया जाता है।
और इस अभियान को भारत शासन द्वारा WHO या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से चलाया जाता है और यह एक राष्ट्रीय महाअभियान है जो कि पूरे देश को पोलियो मुक्त बनाने के लिए चलाया जा रहा है। इसे पल्स पोलियो अभियान भी कहते हैं। एड्स, AIDS, ठीक है। तो AIDS का फुल फॉर्म क्या है, पूरा नाम क्या है, देखिए बच्चों, ए से एक्वायर्ड, आई से इम्यूनो, डी से डेफिशिएंसी, एस से सिंड्रोम। आप अंग्रेजी के शब्दों को ही हिंदी में लिख सकते हैं। इसका पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये HIV वायरस से होता है जो कि श्वेत रुधिर कणिकाओं में प्रवेश करता है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को नष्ट कर देता है। जो श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं वो हमारे शरीर की सिपाही होती हैं, अर्थात हमारे शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहायक होती हैं। तो श्वेत रुधिर कणिकाओं पर ये प्रभाव डालती हैं HIV वायरस, तो जिसके कारण शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वह नष्ट होने लगती है। एड्स किस प्रकार से फैलता है, चलिए अब हम जानेंगे। श्वेत रुधिर जो कणिकाएं होती हैं इनसे लड़ने के लिए शरीर में ही एंटीबॉडी बनता है और ये एंटीबॉडी जो है जब HIV वायरस का प्रकोप शरीर में बढ़ जाता है तब ये एंटीबॉडी HIV वायरस से लड़ने में भी असमर्थ हो जाते हैं। HIV वायरस संक्रमित व्यक्ति के शरीर से निकलने वाले जो द्रव हैं, खून, लार या पुरुषों के वीर्य है या महिलाओं के शरीर से निकलने वाला जो द्रव है, माँ का जो दूध है, इनमें ये वायरस पहुँच जाते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर एड्स और HIV का पूरा नाम लिखा हुआ है। तो एड्स से एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, उसी तरह से HIV का पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। एड्स की पहचान के क्या क्या लक्षण हैं, जोड़ों में दर्द का रहना, सूखी खांसी होना, वजन का तेजी से घट जाना, कमज़ोर याददाश्त का होना, पेट में दर्द होना, खाना निगलने में कठिनाई का होना, बुखार आ जाना, थकावट लगना, रात में बहुत अधिक पसीना आना, जी मिचलाना या उल्टी का आभास होते रहना, लगातार दस्त और डायरिया होते रहना और शरीर में विभिन्न प्रकार के अल्सर का उत्पन्न हो जाना या फिर जो लिम्फ नोड है, लसीका जो ग्रंथियां हैं उनमें सूजन का आ जाना। तो आप ये देखिए कि कितने सारे लक्षण एड्स के कारण दिखाई देने लगते हैं, क्योंकि ये सारे भी अपने आप में एक एक रोग हैं। तो एड्स का अलग से कोई ऐसा लक्षण नहीं है, इतने सारे लक्षण हैं। अब आप एड्स से संबंधित कुछ विशेष नोट है इसे जान के रखिए कि लक्षणों के आधार पर हम एड्स की पहचान नहीं कर सकते। जैसा कि हमने देखा कि एड्स के बहुत सारे लक्षण हैं तो अन्य बीमारियों में भी ये लक्षण दिखाई देते हैं, इसलिए जब भी एड्स के लिए अगर शंका हो कि एड्स है इस व्यक्ति को तो अवश्य ही रक्त की जांच करवानी चाहिए। HIV जो वायरस है वह शरीर में जब प्रवेश करता है तो उसके तुरंत बाद एड्स के लक्षण दिखाई नहीं देते हैं, 3 से 15 वर्षों के अंतराल में ये फिर दिखाई देने लगते हैं। HIV वायरस किसी व्यक्ति के शरीर में रहने पर भी संक्रमित व्यक्ति स्वस्थ दिखाई देने लगता है। यदि वो वायरस उस संक्रमित व्यक्ति के शरीर में है तब भी वो व्यक्ति स्वस्थ ही दिखाई देता है, क्योंकि इसके जो लक्षण हैं देखिए आप 3 से 15 वर्ष के बीच में दिखाई दे पाते हैं यदि वो शरीर में प्रवेश कर गया है किसी संक्रमित व्यक्ति के शरीर में। लेकिन ऐसा व्यक्ति जब अन्य जो स्वस्थ व्यक्ति है उनके संपर्क में आते हैं तो उस व्यक्ति को एड्स हो सकता है। जिस व्यक्ति के शरीर में HIV वायरस है उसे खुद नहीं पता होता है कि उसके शरीर में HIV वायरस है, क्योंकि उसके शरीर में लक्षण आने में काफ़ी समय लग जाता है। जब वह व्यक्ति, संक्रमित व्यक्ति किसी स्वस्थ व्यक्ति के संपर्क में आता है तो उसके शरीर में HIV वायरस प्रवेश कर जाते हैं, तो वह व्यक्ति एड्स से संक्रमित हो जाता है। एड्स से बचाव, एड्स के बचाव का बहुत अच्छा एक यही है कि हम एड्स के प्रति जागरूक रहें और स्वास्थ्य शिक्षा द्वारा भी एड्स संबंधी विभिन्न प्रकार की जानकारी समय समय पर लोगों को दी जाती है और 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इसके माध्यम से लोगों को जागरूक करते रहना चाहिए। पीलिया,
पीलिया जो रोग है यह प्रदूषित जल और भोजन से फैलने वाला एक संक्रामक रोग होता है। इसे हम वायरल हिपेटाइटिस ई भी कहते हैं। पीलिया के जो विषाणु होते हैं जब वो शरीर में प्रवेश करते हैं 15 से 50 दिनों में इस रोग के लक्षण दिखाई देते हैं। इस रोग से सभी को नुकसान होता है लेकिन जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको इसका ज़्यादा खतरा होता है। पीलिया के लक्षण, पहला लक्षण है भूख नहीं लगना। पीलिया नाम से ही लग रहा है कि पीला रंग होगा। कुछ भी लक्षण ऐसे हैं जो कि जैसे कि पेशाब में पीला रंग का हो जाना, त्वचा का रंग पीला पड़ जाना, सिर में दर्द, उल्टी लगातार होते रहना, थकावट, कमजोरी, पेट में दाहिनी तरफ ऊपर की ओर लगातार दर्द का बने रहना। पीलिया के कुछ और भी लक्षण आप देखिए कि बहुत ज़्यादा जैसे अगर थकावट है, कमजोरी है, गाढ़े पीले रंग का पेशाब आ रहा है, या आँख या हथेलियाँ जो है वो पीली हो गई हैं, पेट के दाहिने भाग में ऊपरी भाग में दर्द होने लगता है, मितली आना जिसे हम जी मिचलाना भी कहते हैं, या उल्टी की शिकायत लगातार बने रहना, अचानक से भूख लगना बंद हो जाना। तो पीलिया के जो लक्षण होते हैं वो उसका जो संक्रमण है वो 15 से लगभग 50 दिन की अवधि में दिखाई देते हैं। पीलिया से बचाव के कुछ उपाय भी हमें जानने चाहिए जो हम अपने घर में अपना कर इससे बच सकते हैं। तो ये जो चीज़ है जिसे हमने जितनी भी बीमारियाँ थी सभी में हमने ये जाना कि पानी को प्रायः घर में जो हम प्रयोग करते हैं तो उसे उबाल कर फिर कमरे के तापमान पर ठंडा करके पीना चाहिए। अगला है 20 लीटर पीने के पानी में एक क्लोरीन गोली पीस कर डालते हैं और 30 मिनट बाद इसका उपयोग करना चाहिए और लगातार हमें हाथ धोते रहना चाहिए शौच के बाद और भोजन करने के पहले, भोजन बनाने के पहले, किसी बच्चे को खिलाने के पहले, सब तरफ से जब भी हम कोई संक्रमित वस्तु को छूते हैं, बाहर की चीज़ों को छूते हैं तो ज़रूर हमें हाथ को लगातार साबुन से धोते रहना चाहिए। रोगी को खुले में शौच नहीं करने देना चाहिए क्योंकि जो पीलिया के विषाणु होते हैं वो मरीज के मल के साथ विसर्जित हो जाते हैं। तो जब वो किसी खुले जगह पे शौच में जाते हैं तो वो विषाणु दूसरे पदार्थों में फैल सकते हैं। खुले में रखी बासी एवं सड़ी गली खाद्य सामग्रियों का हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए। पीलिया के लक्षण दिखाई देते ही तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और डॉक्टर की सलाह पर ही हमें आगे दवाई लेनी चाहिए। अब आप देखिए सिकल सेल एनीमिया या सिकलिंग, आप इस रोग के बारे में कई बार सुनते भी हैं, आपके विद्यालय में इसका लगातार परीक्षण चलता रहता है, तो कई बच्चे जो आपके साथ हैं उन्हें भी हो सकता है कि ये रोग हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ये देखा गया है कि कुछ एक विशेष जातियां हैं जिनमें कि ये रोग पाया जाता है। तो वास्तव में ये कैसा रोग है, तो ये एक आनुवांशिक रोग होता है। अभी तक जितने भी रोग हमने देखे, विषाणु जनित, जीवाणु जनित देखे, ये जो रोग है ये आनुवांशिक रोग है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संचरित होती है। इसकी विशेषता ये है सिकल सेल एनीमिया की कि जो रोगी व्यक्ति होता है सिकल सेल वाला, उसके शरीर में जो लाल रुधिर कणिका होती है उसमें जन्मजात परिवर्तन के कारण ये होता है। तो इसमें जो गोलाकार लाल रुधिर कणिकाएं हैं वो देखिए किस तरह से सिकल की तरह आकार ले लेते हैं, सिकल यानी हसिए जैसा एक आकार ये ले लेते हैं। तो जो लाल रुधिर कणिकाएं हैं वो गोलाकार हैं और जो सिकल सेल जो कोशिका बन गई वही गोलाकार रक्त कोशिका यहाँ पर हसिए का आकार ले लेती है। सिकल सेल जो सिकलिंग है वह किस प्रकार शरीर को प्रभावित करता है चलिए देखें। जो सामान्य रुधिर कणिकाएं होती हैं लाल रुधिर कणिकाएं शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करती हैं, क्योंकि पूरे शरीर में ऑक्सीजन का वहन होता रहता है, संवहन होता है, तो ऑक्सीजन को पूरे शरीर में ले जाने का जो कार्य है वह लाल रुधिर कणिकाएं करती हैं। जबकि जो हसियाकार रुधिर कणिकाएं होती हैं जो कि लाल रुधिर कणिकाएं ही हसियाकार रूप ले लेती हैं, तो उनके कारण ऑक्सीजन के परिवहन में कमी आ जाती है। तो ये शरीर के विभिन्न अंगों की महीन रक्त वाहिनियों में गुच्छा बनाकर फंस जाती है। तो इस कारण से देखिए यहाँ पर ये गुच्छा बनाकर कैसे फंस गई हैं और इसके कारण उस अंग के कार्य में रुकावट होने लगता है, दर्द होने लगता है,
तो रक्त वाहिनियों में ये गुच्छा बनाकर ऐसे फंस जाती हैं, जिससे रक्त का प्रवाह ठीक ढंग से नहीं हो पाता है। तो उस जगह पर जहाँ पे गुच्छा बना हुआ है, वहाँ पर उस अंग में वहाँ पर कार्य करने में रुकावट आ जाएगी और दर्द होने लगता है। सिकल सेल उन भूभागों में पाई जाती है जहाँ पर मलेरिया अधिक होता है, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना होता है। वैज्ञानिक ये मानते हैं कि जो मलेरिया परजीवी होते हैं उनसे बचने के लिए ये जो लाल रुधिर कणिकाएँ होती हैं वे सामान्य आकार में परिवर्तन कर लेती हैं और एक रक्षात्मक रूप धारण कर लेती हैं। सिकल सेल रोग के कुछ विशेष लक्षण हैं। सबसे पहला जो लक्षण है वो है एनीमिया, अर्थात खून की कमी। तो शरीर का जो रंग है वो सफ़ेद दिखाई देने लगता है। जिस व्यक्ति के शरीर में सिकल सेल है, सिकल सेल रोग है, तो उसका जो शरीर है वो थोड़ा सा सफ़ेद दिखाई देने लगता है। सांस जल्दी फूलने लगती है, थकान आने लगती है, चिड़चिड़ापन होता है, खान पान में अरुचि आ जाती है, हाथ पैर की उंगलियों में, जोड़ों में दर्द होने लगता है, सूजन रहता है, बार बार बुखार आने लगती है, सर्दी हो जाती है, और जो तिल्ली या प्लीहा जो होता है, स्प्लीन है, उसका आकार बड़ा हो जाता है और बच्चों के विकास में रुकावट उत्पन्न करती है यह रोग। सिकल सेल रोगी को क्या करना चाहिए? सबसे पहला है खूब पानी पीना चाहिए, संतुलित आहार लेना चाहिए, हर माह लगातार जांच कराते रहना चाहिए अपने रक्त की, और रक्त में किस प्रकार वृद्धि हो, कैसे खान पान लें कि रक्त में वृद्धि हो सके, तो इसकी सलाह भी लगातार डॉक्टर से लेते रहना चाहिए, और उसी तरह के भोजन को ग्रहण करना चाहिए जिससे शरीर में रक्त बने। तो सामान्य जो लाल रक्त कोशिका है और हसियाकार लाल रक्त कोशिका में कौन कौन से अंतर है? देखिए, जो ये लाल रक्त कोशिका होती हैं ये गोलाकार होती हैं, मुलायम हैं और लचीले होते हैं, जबकि जो हसियाकार लाल रक्त कोशिका होती हैं ये हसियाकार हो जाती हैं। यही लाल रक्त कोशिका की, जो सामान्य लाल रक्त कोशिका की जो गोलाकार कोशिका थी वह हसियाकार रूप ले लेती है, इसमें लचीलापन कम हो जाता है और ये कड़े हो जाते हैं। इसी तरह से जो सामान्य लाल रक्त कोशिका होती हैं वे रक्त वाहिनियों में बहुत आसानी से बह सकते हैं, जबकि जो हसियाकार लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं ये गुच्छों के रूप में रहती हैं। जो सामान्य लाल रक्त कोशिका होती हैं वो बनने के बाद 120 दिनों तक जीवित रह सकती हैं, जबकि आप देखिए जो हसियाकार लाल रक्त कोशिकाएं हैं ये बनने के बाद केवल 20 दिनों तक ही जीवित रह सकती हैं। ये एक आनुवंशिक बीमारी है जो कि माता पिता से बच्चों में आती हैं। तो इस बीमारी के जो रोगी हैं ये दो प्रकार के हो सकते हैं, पहला सिकल सेल वाहक और सिकल सेल पीड़ित रोगी। दो प्रकार से यहाँ हो सकता है सिकल सेल किसी व्यक्ति को, एक तो वो सिकल सेल वाहक के रूप में हो सकता है और दूसरा वो सिकल सेल से पीड़ित रोगी हो सकता है। तो सिकल सेल के जो वाहक होते हैं वे प्रायः स्वस्थ रहते हैं और इनमें बीमारी से संबंधित कोई भी लक्षण नहीं होते हैं, उन्हें स्वयं को भी पता नहीं होता है कि वे सिकल सेल के धारक हैं। तो सिकल सेल धारक या सिकल सेल वाहक जो व्यक्ति होते हैं जब किसी अन्य वाहक या सिकल सेल के पीड़ित रोगी से विवाह करते हैं तो सिकल सेल पीड़ित संतान के होने की संभावना बढ़ जाती है। तो यदि दो सिकल सेल रोगी आपस में विवाह करते हैं तो उनके बच्चे सिकल सेल से पीड़ित होंगे ही। तो इसलिए कहा जाता है कि विवाह पूर्व लड़के लड़कियों की इस रोग के संबंध में रक्त की जांच की रिपोर्ट अवश्य ही देख लेना चाहिए। अब हम जानेंगे टीकाकरण क्या होता है। टीकाकरण वह उपाय है जिसके द्वारा किसी जीव में किसी रोग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता को उत्पन्न किया जाता है ताकि उस रोग से लड़ने के लिए जो शरीर है वो सक्षम हो सके। बच्चों, टीकाकरण के बारे में हमने जाना, तो इससे संबंधित जो चार्ट है वो आप देखिए, और इस चार्ट में आपको समझ में आएगा कि जन्म से शिशु को जो भी टीका दी जाती है अलग अलग रोगों के लिए उसकी पूरी जानकारी है। तो आपको इसको देखना है और बहुत अच्छे से जानना है कि किस उम्र में किस प्रकार का टीका दिया जाए जिससे कि रोगों से बच सकते हैं। तो इसे आपको खुद तो जानना ही है और अपने घर में भी बड़े
और जो भी आसपास है जिन्हें टीका की जानकारी नहीं है, तो आपको लोगों को जागरूक भी बनाना है, आपको स्वयं भी जानना है कि किस उम्र के बच्चों को कौन सा टीका लगाना चाहिए। तो इस तालिका को बहुत अच्छे से आप अध्ययन करिए कि जन्मजात शिशु को किस प्रकार का टीका लगना है, या जो बड़े बच्चे हैं उनको किस प्रकार का टीका लगना है, 5 साल के बच्चों को कैसा टीका लगना है। तो ये सभी जानकारी आपको, और किस टीके से किस प्रकार रोगों से हम बच सकते हैं, ये पूरी जानकारी आपको इस तालिका में दी गई है। आप इसे स्वयं भी सीखिए और लोगों को जागरूक भी करिए। हमने इस पाठ में क्या सीखा? तो हमने ये सीखा कि पल्स पोलियो के द्वारा जो पल्स पोलियो अभियान चलाया जा रहा है ताकि पूरा देश जो है वो पोलियो मुक्त हो सके, तो इसके लिए 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को ओरल पोलियो वैक्सीन या OPV देना चाहिए। एड्स HIV के द्वारा होता है, हैजा, टाइफाइड, डायरिया, पेचिश, ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं जो संक्रमण युक्त पानी पीने से होती हैं, अतः पानी को उबालकर ही पीना चाहिए, जो कि सबसे सुरक्षित उपाय है। सिकल सेल एक आनुवंशिक बीमारी होती है। एड्स का पूरा नाम जो हमने जाना, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। पोलियो और जो रेबीज है, यह रोग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। गृह कार्य आपके लिए कुछ है प्रश्न। इस पाठ में हमने बहुत सारे रोगों के बारे में जाना, तो उम्मीद है बच्चों कि आप इन रोगों के बारे में जानकर जरूर इन रोगों से बचाव के जो उपाय हैं उसे अपने जीवन में आत्मसात करने का प्रयास करेंगे। ये गृह कार्य के कुछ प्रश्न हैं जिसे आप बहुत सुंदर अक्षरों में अपने नोटबुक में ज़रूर बनाइए और याद भी करते चलिए। सबसे पहला प्रश्न है बच्चों कि किन्हीं 2 विषाणुजन्य रोगों के नाम लिखना है आपको और लक्षण लिखना है। दूसरा प्रश्न है टीकाकरण क्या है। एड्स के विषाणु का पूरा नाम लिखना है। सिकल सेल रोग के क्या लक्षण हैं। अगला प्रश्न है सामान्य लाल रक्त कोशिका एवं हसियाकार लाल रक्त कोशिका में क्या अंतर है। पीलिया के कौन कौन से लक्षण हैं। प्रश्न 7 आपके लिए है, पोलियो वायरस किस अंग को प्रभावित करता है। चलिए बच्चों, हमने कुछ सामान्य रोग के बारे में जाना और इन रोगों के बारे में हमने जो भी सीखा, जो भी जाना, इसे अपने जीवन में जागरूक करने के लिए, स्वयं को अपनी जीवन शैली को अच्छा बनाने के लिए, संतुलित करने के लिए अपनाएंगे, ऐसा आप संकल्प लीजिए, तब तो पढ़ना सार्थक होगा। ठीक है, तो विज्ञान पढ़ना हमारे लिए तभी सार्थक होता है जब हम इसे अपने जीवन में भी अप्लाई करते हैं। तो ज़रूर, मुझे पूरा विश्वास है बच्चों कि आप इन सब बातों को याद रखेंगे और अपनी जीवन शैली को बहुत सुधार लेंगे और बहुत ही संतुलित जीवन व्यतीत करेंगे, स्वस्थ रहेंगे और खुश रहेंगे, पढ़ते भी रहेंगे। पढ़ना भी बहुत आवश्यक है जिससे आपका मस्तिष्क भी अच्छा रहेगा। तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए।